जोड़ी जिन्होंने 1973 की सबसे बड़ी फिल्म बॉबी, 74 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा पर मकान, 1976 की सबसे बड़ी फिल्म दस नंबरी, 77 की सबसे बड़ी फिल्म अमर अकबर एंथनी, 1979 की सबसे बड़ी फिल्म सुहाग, 81 की सबसे बड़ी फिल्म क्रांति, 83 की सबसे बड़ी फिल्म कूली, 86 की सबसे बड़ी फिल्म कर्मा, 87 की सबसे बड़ी फिल्म हुकूमत, 88 की सबसे बड़ी फिल्म तेजाब का म्यूजिक दिया, जोरदार तालियां। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से आप सबको संगीत भरा नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द लिविंग लेजेंड प्यारेलाल जी एंड सुनीला जी। जिनको सोतू प्रसाद का खिताब मिलने के बाद कुंभू इज फीलिंग लाइक अ जूनियर बॉय प्रीतम रॉय और इनके साथ शगुन पाठक। प्रीतम शगुन क्या तैयारी की है आपने आज? आदि भी आज प्यारेलाल जी आए हैं और हम बहुत लकी फील कर रहे हैं उनके सामने परफॉर्म करने के लिए, और हमारा स्केल हमारा जोनर काफी डिफरेंट है मेरा और प्रीतम का, तो हमने बहुत तैयारी की इसके लिए कि हमारा परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो, और हमने एक लंबी सांस ली और बस भगवान से दुआ की कि आज हमारा परफॉर्मेंस ऐसा हो कि वो यादगार बन जाए। बिल्कुल सही किया, अपने आप पे फुल भरोसा रखो और शुरू हो जाओ। थैंक यू। हे, तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया। कभी किसी को दिल दिया? दिया। मैंने भी दिया। नहीं है इलाज दुनिया में और कोई, तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओ शांति ओ शांति शांति ओ। कर ली रातें खराब देखो, ए, मैंने किसी को दिल देके कर ली रातें खराब देखो, आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुद खुशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुद खुशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो, तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओ ओ शांति ओ शांति शांति ओ ओ शांति ओ ओ शांति शांति ओ
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जय हो। क्या बात है, क्या बात है, इनक्रेडिबल सर। आप सब लोग की जय हो। अरे सर बहुत अच्छा लगा, लक्ष्मीकांत जी की याद आ रही है मुझे बहुत। वाह वाह वाह, क्या आप लोगों ने गाया बजाया, एवरीथिंग ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच। आप लोग जिंदगी भर इस ये जो पल है ना, इसको पकड़ के रखिए, अपने दिल में रखिए, और जब भी कभी लाइफ में डाउट हो कि मैं क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो याद रखिएगा कि प्यारे भाई ने आपके लिए वाह वाह की थी। बहुत बड़ी वाह। हम तीनों की तरफ से, हम सब की तरफ से थैंक यू। पापा शिवम, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें पापा कहेगी? ये सोच सोच कर मेरा सर, गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं है, लेकिन पापा के लिए एक मम्मी की तलाश जरूर जा रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है,
खुशी की बात मुझे ये है कि जो गाना गाया है गाया वैसे ही लेकिन अपने ढंग से गाया तुमने, तो सबसे बड़ी बात है ये बात रखो ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी हाँ ऑल द बेस्ट। सबसे अच्छी बात क्या है जी सर कि उसी गाने को गा रहे वैसे ही गा रहे सेम एक एक हरकत मुर्गियाँ एक्सप्रेशन सब कर रहे हैं फिर भी वो जो गा रहे हैं वो लग रहा है कि वो ही गा रहे हैं पापा क्या बात ये सबसे बड़ी बात है। आई एम वेरी मच हैप्पी गॉड ब्लेस थैंक यू सर। हमारी जान जो है सर हमारे म्यूजिशंस हमारे सब सब कम ऑन ग्रेट। और जजेस और दुनिया में आपको याद दिला दूं कि ये जो गाने आप सुन रहे हैं ये 43 इयर्स पुराने हैं या नए हैं जैसा कि आप सोचना चाहते हैं। क्या बात है 43 इयर्स और उसके बाद भी आज की जनरेशन इन गानों को सुनती है इन्हें सेलिब्रेट करती हैं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और उनके संगीत के लिए एक बार जोरदार ताली। पापा शिवम जी यस सर पूज्य पापा जी आपने पहला गाना ऐसा गाया कि ऐसे मतलब आपकी आवाज बिल्कुल ढल गई उसमें। मेघारे 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 जेन्युइनली ऑथेंटिक लगा जो प्यारे भाई कह रहे थे बहुत खूबसूरत गाया। और सोनाक्षी सेकंड गाने में आप बिल्कुल मतलब शाइन हो गई। ऑफ कोर्स डफली वाले एक ऐसा गाना है जो भी सुनता है उसको लगता है कि मैं गा सकती हूँ लेकिन एक्चुअली गाने में कलाकारी बहुत ज्यादा है बहुत ज़्यादा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग। इस गाने को अच्छे से निभा लेना कोई आसान बात नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गाइस मेक अस वेरी प्राउड। बहुत अच्छा गाया आपने। आदि भैया मैं प्यारेलाल सर से बस एक ही सवाल पूछना चाहूँगा। हाल ही में एक दो महीने पहले आपने US टूर किया था। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ हो शांति। इस एज में भी आप इतना एक्टिव कैसे रहते हैं मतलब आपकी फिटनेस का राज क्या है? नहीं सुनिए संगीत ऐसी चीज़ है इसमें कुछ मतलब आप जब संगीत में जाते हैं आप सब भूल जाते हैं। संगीत ऐसा नहीं कि आप कल गा रहे हैं अभी डफली वाले डफली बजा ये बोल तो दिया आपने अब गा के बताइए आप। डफली वाले डफली बजा अभी इसमें क्या मेन चीज़ क्या है डफली समझे अभी डफली खत्म हो गया है डफली वाह भाई अब अभी डफली के फ जो है वो बहुत क्लियर आना चाहिए उठ के 1 2 1 डफली वाले डफली बजा 1 2 3 4 1 2 डफली वाले डफली बजा। जब मैं बोलता हूँ डफली बजा तो आपका आवाज आता नहीं है। डफली बजा इसे आप समझे ना दिस इज टीम वर्क। अरे आप गाए नहीं रहे हमने कंपोज किया बख्शु साहब ने लिखा है और ये बजा रहे हैं और एक एक चीज और पब्लिक उसको एंजॉय कर रही है। अगर आपको वक्त मिले कभी जरूर घर पे आइए आप। क्या बात है रियली मींस अ लॉट सर थैंक यू एवं सोनाक्षी इससे बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं थैंक यू। हमारी अगली जोड़ी को विनीत सिंह और साथ आ रही हैं देवोस्मिता रॉय। क्या बात है हाय देवोस्मिता हाय विनीत हाय आज
कैसा फील हो रहा है आप दोनों को? सर वो रीजन है जिस द डे आई डिसाइडेड कि मैं इंडियन आइडल में जाऊंगा जी, वो लास्ट सीजन में मैं उनका एपिसोड देख रहा था। अरे वाह। उस मोमेंट पे आई डिसाइडेड कि मैं इंडियन आइडल में जाऊंगा, क्योंकि आप हर साल आते हैं सर और लोग आपके गाने सुनते हैं, आपके फैंस होते हैं। मैं आपके गानों को जीता हूं और मैं आपका भक्त हूं। मुझे ऐसा लगता था मेरा गोल्डन टाइम खत्म हो चुका है, मेरा गोल्डन टाइम आज है और मैं इसके लिए इतना ज्यादा लकी फील कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये मेरे लिए सपना भी नहीं था सर कि मैं आपके सामने कभी गाऊंगा। मुझे अगर आज मौका मिले इस गैजेट्स, फोन, लैपटॉप, ये सब की दुनिया, मुझे पीछे दुनिया में अगर ले जाएंगे ना सर, मैं आपके जमाने में जाना चाहता हूँ और आपके साथ कोरस करने को भी मिल जाए ना, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी वो। अरे क्या बात है। आप क्या बात कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको सुन के इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं सब चीज़ सुनता रहता हूँ, म्यूज़िक का, टीवी का, ये आप जो, क्योंकि आपने जब गाते हैं इतनी सिंप्लिसिटी से और हर एक चीज़, आपका मूड, वॉइस, एवरीथिंग जस्ट परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि लोग ये बातें करते हैं ना, जो आप जो 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 कहा अभी जी सर, ये झूठ बोलते हैं, आप सच बोल रहे हैं। क्या बात। थैंक यू सर। देवस्विता, विनीत, ऑल द वे बेस्ट, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हम शराब मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने शराब मोहब्बत जब याद आए बहुत याद आए। साथिया साथिया साथिया, नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, जीना लगे। जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए, जी का था जी में बसाया, ए जी बोलिए, ओ अब काहे पछताना के जी
मौसम है सुहाना के जीनो लगे साथिया नहीं जाना के जीना लगे साथिया नहीं जाना के जीना लगे थैंक यू सो मच ये संगीत है क्या बात है वाह थैंक यू ये इसको तो गाना एक एक शब्द को पोएट्री सिंगिंग नोट्स एवरीथिंग एक्सेलेंट टेम्पो बहुत खुशी हुई मुझे थैंक यू सर थैंक यू मुझे इतनी खुशी हुई कि जो मैं सुनना चाहता था उससे 100% ऊपर अर्पण हाय हाय क्या बात है थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू इतने मुश्किल गाने हैं इतने सोलफुल गाने हैं इतना सोल डालना होता है इनमें है ना और मुझे लगता है इस कंपटीशन में अगर सोल डालने की बात हो तो आप दोनों का कोई मुकाबला है नहीं वैसे थैंक यू सो मच सच में अच्छी बात कही आपने है ना सर बहुत खूबसूरत कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच थैंक यू इस जोन को कम समझकर कभी भी पीछे मत हटना बिकॉज बीच में जो रहने वाले हैं वो बीच में ही रह जाते हैं तो वो जोन को बरकरार रखते हुए कुछ और करने की कोशिश में कंपटीशन में पीछे रह जाओगे ऐसा मुझे लगता है लेकिन ये जोन में तुम्हें कोई दूसरा बीट नहीं कर सकेगा और बड़े बड़े जो सामने आएंगे वो पीछे रह जाएंगे तो इस जोन को कैसे तुम बड़ा बनाते हो ये एज अ सिंगर एज अ कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है सिर्फ मैं ग्रेट सिंगिंग करता हूं तो ऐसे 500,000 और लोग हैं जो ग्रेट सिंगिंग करते हैं अगर ग्रेट फ्लॉलेस पुराने गाने सुनने हैं तो विनीत को बुलाओ हिला के रख देगा वो थैंक यू सो मच सर इट मींस अ लॉट विनीत और देवो आपने मौसम बदल दिया Debu, Vineet, thank you very much. Bye. तो चलिए बुलाते हैं हमारी अगली जोड़ी को नवदीप वडाली और साथ आ रही हैं रूपम भरनारिया मेरे नाना जी उस्ताद पद्मश्री पूरनचंद वडाली साहब ने स्पेशली प्यारे लाल जी के लिए तोहफा भेजा है अरे वाह जी वो लोई पहनते हैं तो उन्होंने सर के लिए लोई भेजी है कि उनको दीजिएगा मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा सर के लिए बिल्कुल क्या बात है प्लीज 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 आइए इसको वैसे नसीब देखिए मेरा लक कितना है कितना अच्छा लगा मुझे Hi. ये चीज की जो वैल्यू है मैं जानता हूँ wow. मेरे दिल के करीब है बिल्कुल आज पहली बार इस शो पे संगीत को तोहफा देते हुए देखा है wow. नसीब है नसीब है बहुत अच्छा थैंक यू सो मच और मैं उनसे फोन से बात कर लूँगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू तैयार है अपनी परफॉर्मेंस के लिए सुनाइए खूबसूरत सा गाना एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों की ऑल द बेस्ट छालों को चलते
जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को सर। वो मैं पूरा मतलब उस जगह पे पहुंच गई थी। सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। देवी माँ ने इनको खड़ा किया, खुद खड़े नहीं होते कभी। आज फर्स्ट टाइम सच्ची में बोल रही हूँ, सही बोलता हूँ। देवी माँ का आशीर्वाद, खुद खड़े हो गए आज। मन भर के है मेरा। वो शब्द नहीं मेरे पास बन गया, और इतना प्रेम से आप लोगों ने इसको पेश किया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। जय माता दी। रूपम, नवदीप, आप दोनों ने यहाँ पर मौसम बदल दिया। थैंक यू। तो चलिए बुलाते हैं हमारी अगली जोड़ी को, ऋषि सिंह, और साथ आ रही हैं विदिप्ता चक्रवर्ती। मेरी आशीर्वाद चाहिए तो अच्छा गाओ, वो आशीर्वाद मिल जाएगा मुझे, ठीक है। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। अरे गले तो मिलो। वाह बहुत अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे। थैंक यू, थैंक। हाय रोहित, कैसे रजा? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई मिलके। दोनों को भगवान अच्छा रखे। नेहू,
ये हमारा मराठी मराठी रस्म होता है हल्दी कुंकू लगाने का. नए नए दुल्हन नया दुल्हन दूल्हा दुल्हन है ना, इसके लिए ठीक है ना. हाँ जी. हाँ ये पकड़ो ना जा. प्रेम का के कान्हा साबा नारे सावरिया हो हद कर दे पिया हद कर दे रे हर सर हद को रद कर दे रे हद कर दे पिया हद कर दे रे. छोटा हो बड़ी बात, मैं चाहती हूँ कि अगर ये पॉसिबल है तो सर अगर मैम के सिंदूर लगाएं मांग भरे, मुझे लगता है पूरा इंडिया देखना चाहेगा. हो जाए सर. हद कर दे पिया हद कर दे हर सर हद को रद कर दे हद कर दे पिया हद कर दे हर सर हद को रद कर दे. कमाल है. और मैं चाहता हूँ कि पंचम जी के लिए जोरदार तालियां वाले बजते रहे. बस बस अब वो जो मुंबई में अकेली स्ट्रगल कर रही है. शेजूती दास और उनके साथ वो जो इस वक्त आराम से आलस कर सकती थी पर पता नहीं कौन है इनके आलस से जल कुकड़ा, जिसने इनसे कहा एक और गाने पर परफॉर्म कर सोनाक्षी कर. Oh,
बहुत खुश हूँ। क्या बोलना, कमाल है ये बच्चे हैं, क्या कमाल, इतना सही, इतनी समझदारी से हर एक बोलों को म्यूजिक के साथ कंप्लीट, बहुत ही एंजॉय किया मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट वर्क, थैंक यू। आज मैं जिसको मैंने इस शो पे मेरी छोटी बहन बनाया है, थैंक यू मैम, ओ माय गॉड, मैं इतनी प्राउड हूँ ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, तुम क्या हो, मतलब परफेक्शन इज द वर्ड फॉर यू, आप गाती हैं ना तो ऐसा लगता है यार ये बंदी नहीं हिल सकती, कुछ भी हिल सकता है, कोई भी किसी का भी सुर हिल सकता है, सिंजुती का नहीं, ओ माय गॉड, मतलब टू गुड, आई लव यू, थैंक यू मैम, आई लव यू टू। हम आपको कहना चाहते हैं आपने मौसम मौसम आपने मौसम बदल दिया। थैंक यू, जोरदार तालियां, नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया। HR, दो एपिसोड्स हो गए और वो गोल्ड कॉइन अब भी आपके पास है, तो ये गोल्ड कॉइन आप किसे देना चाहेंगे सर? ये गोल्ड कॉइन में से गोल्ड किसी और को जाएगा, कॉइन किसी और को, गोल्ड जाएगा चिराग की दोस्त काव्या को। सीधे काव्या को। कॉइन जाएगा चिराग तुम्हारी मोहब्बत को, काव्या को। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। मेरा ये जो गोल्ड कॉइन है, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि ये जा रहा है संजूति को। नेहू, आप अपना गोल्ड कॉइन किसे देना चाहेंगी? मुझे तीन लोगों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी जी, एक वो थे चिराग जी, एक काव्या और एक है संजूति, ठीक है, तो इन तीनों में से आई हैड टू पिक वन। सबसे ज्यादा मुझे डेडिकेशन और सबसे ज्यादा जिसके सुर बहुत ही नेक्स्ट टू परफेक्शन लगे फॉर दिस वीक, आई वुड से संजूति। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.